कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि सेंसिटिविटी सेटिंग, हेडशॉट ट्रिक एंड कस्टम एचयूडी एंड उसके साथ साथ मैंने लिखा था डीपीआई। तो आप लोगों इसमें सबसे ज्यादा वोट आया है डीपीआई को एंड उसके साथ साथ आया है सेंसिटिविटी सेटिंग एंड कस्टम एचयूडी। इन तीनों में सेम वोट्स आए थे एंड हेडशॉट बस में थोड़ा कम आया था। एंड अगर आप लोग बोलोगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत कम हेडशॉट ट्रिक पूछते हो मेरे से, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड मैं 2-3 दिन से अपना वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसलिए आप लोगों को आवाज से पता चल रहा हो। सो इस बात को रखते हैं साइड में। तो बहुत सारे लोग अपने फोन के मॉडल का कमेंट करते हैं, तो आप लोगों के लिए भाई, आप लोगों के लिए मेरा रिसर्च जारी है एंड आप लोगों को 1-2 दिन के बाद में आप लोगों को मिल जाएगा आपका वीडियो आपके फोन के हिसाब से आपका सेंसिटिविटी सेटिंग। एंड जो जो भाई ने जो पूछा है वो 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड हर फोन के बारे में मैं रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, इसलिए शॉर्ट वीडियो अपलोड करना पड़ता है। थोड़ा सा बात को क्या लंबा करना। सो इस बात को रखते हैं साइड में। एंड अब बात करेंगे तुम्हारे डीपीआई का, तुम्हारे रैम के हिसाब से तुम्हारा डीपीआई कितना होना चाहिए जिससे तुम्हारा हेडशॉट लगे एंड तुम्हारे मोबाइल को कोई भी नुकसान ना हो, मतलब आपके फोन को कोई भी खतरा ना हो जिससे आप लोग का फोन डैमेज हो जाए ज्यादा हाई ज्यादा लो। सो अभी बात करते हैं तुम्हारे 2GB रैम के लिए बेस्ट डीपीआई कौन सा होना चाहिए जिससे तुम्हारा फोन भी डैमेज ना हो एंड हेडशॉट भी लगे मस्त वाला। सो तुम लोग अपने डीपीआई में अपने डीपीआई को बढ़ाना, सो अपने डीपीआई को बढ़ा लेना 430 बेस्ट होगा तुम्हारे लिए हेडशॉट मारने जिससे तुम्हारा हेडशॉट लगेगा। मैंने पहले बोल दिया तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं होगा 2GB रैम में। सो अभी बात करते हैं 3GB रैम फोन। सो आप लोग अपने डीपीआई को बढ़ा लेना 480 बेस्ट होगा तुम्हारे लिए हेडशॉट मारने के लिए एंड तुम्हारा कोई भी मोबाइल खराब नहीं होगा। 480 तुम्हारे हेडशॉट मारने के लिए बेस्ट होगा, मतलब तुम्हारा मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा एंड तुम्हारा ड्रैग करोगे वो ड्रैग बटन भी बहुत ज्यादा, मतलब हल्लू से ड्रैग करोगे तुम्हारा हेडशॉट लगेगा। सो 2GB रैम एंड 3GB रैम का तो हो गया एंड अभी बात करते हैं 4GB रैम का। एंड अगर आप लोग 6GB का भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना क्योंकि 6GB का बहुत कम आता है कमेंट। एंड उसके साथ साथ में अगर आप लोग को डीपीआई कहाँ होता है ये मालूम नहीं होगा तो मेरे पुराने वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है एंड आई बटन में भी दे दिया हूँ, जाके देख सकते हो अगर आप लोग को कहाँ होता है ये पता नहीं होगा तो। एंड आप लोग को अपने मॉडल का देखना है तो जाकर सर्च बार में जाओ यूट्यूब के, वहाँ पर सर्च करो डीपीआई कहाँ होता है करके, अपने फोन का मॉडल लिख लेना। सो अब देखो आप लोग अपने 4GB रैम में अपना डीपीआई को बढ़ाना आप लोग 530, आप लोगों को कम ना ज्यादा करना है, 530 रख लेना है बेस्ट होगा तुम्हारे लिए हेडशॉट मारने के लिए। 530 तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड आप लोग का हेडशॉट लगेगा ही लगेगा उसमें, क्योंकि मेरे फोन का भी है, मैं 540 रखता हूँ, आप लोग को एक का कम बताया क्योंकि आप लोग का फोन ज्यादा डैमेज ना होकर। सो आप लोगों को अपने डीपीआई को इतना बढ़ाना है, 4GB रैम 2GB रैम एंड 3GB रैम मैंने बेस्ट बताया आप लोगों के लिए क्योंकि मैंने खुद भी उसमें यूज किया है एंड डैमेज नहीं हुआ है, मैंने खुद देखा है एंड आप लोगों को थोड़ा सा कम भी बताया है क्योंकि हेडशॉट को ही बस नहीं देखना है, आपके फोन को भी देखना है क्योंकि डैमेज ना होकर। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट कर देना एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ उसमें आप लोग जाकर अपना आंसर दे दिया करो कि कौन सा वीडियो आना चाहिए करके। एंड आप लोग कमेंट भी कर सकते हो अगर आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में नहीं जाना चाहते तो, एंड कमेंट जरूर से कर दिया करो क्योंकि मेरे पास एक भी टॉपिक होता नहीं है, मैं आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, आप सभी लोगों को पता है क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हो ज्यादातर मेरे सेंसिटिविटी सेटिंग पूरा भर चुका है, तो आप लोग कमेंट करो उसी टॉपिक से वीडियो आएगा नेक्स्ट। सो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही आएगा। सो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।